हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकुल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बॉलीवुड स्टार। दोस्तों, एक बार फिर तैयार हो जाइए अक्षय कुमार की सुपर हिट फिल्म ओ माय गॉड का पार्ट सेकंड देखने के लिए। जी हाँ, 2012 में फिल्म आई थी, आपको पता होगा, जिस फिल्म का नाम था ओ माय गॉड, यानी कि OMG, जिसमें परेश रावल भी नज़र आए थे, अक्षय कुमार भी नज़र आए थे। और इस फिल्म में परेश रावल ने काफ़ी कॉमेडी की थी, आप लोगों को पता भी होगा। 2012 में ये फिल्म रिलीज की गई थी, इसमें मिथुन चक्रवर्ती भी आपको नज़र आए थे। और जिसके बाद इसका साउथ इंडिया वालों ने इसका रिक्रिएट किया था 2014 या 13 के आसपास, वो फिल्म भी काफ़ी हिट रही और जो बॉलीवुड में बनी थी वो भी काफ़ी हिट रही। उसके बाद से खबर है कि बॉलीवुड में OMG यानी कि ओ माई गॉड का सेकेंड पार्ट भी आ सकता है। वो उसी टाइम खबर चल गई थी कि सेकेंड पार्ट ज़रूर आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। और कुछ महीनों पहले ही ये खबर आई कि OMG के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो OMG का पार्ट सेकंड बनाना चाहते हैं, और अक्षय कुमार के साथ उनकी मीटिंग भी हुई है और अक्षय ने पूरी तरह से हाँ बोल दिया है इस फिल्म को एक बार फिर से करने के लिए। इस फिल्म के बारे में आज फिर एक खबर निकल के आई है जिसमें बताया जा रहा है कि इस बार इस फिल्म में परेश रावल नहीं नज़र आएंगे। जी हाँ, आपको बता दूँ, कांजीलाल जी मेहता का किरदार निभाया था 2012 में आई फिल्म OMG में परेश रावल ने, लेकिन इस बार परेश रावल इस फिल्म में नज़र नहीं आएंगे आप लोगों को। और परेश रावल की जगह बताया जा रहा है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के जाने वाने एक्टर पंकज त्रिपाठी नज़र आएंगे। जी हाँ, अब ये साफ नहीं है कि पंकज त्रिपाठी परेश रावल वाला रोल यानी कि कांजीलाल जी मेहता का रोल ही प्ले करेंगे या फिर उनको किसी और रोल के लिए लिया जाएगा, लेकिन ये बात कन्फर्म हो चुकी है परेश रावल इस फिल्म में नज़र नहीं आएंगे इस बार। और पिछली फिल्म में परेश रावल ने ही सबसे ज़्यादा कॉमेडी की थी और अपने फैंस को हंसाया था उन्होंने, और उस फिल्म में कांजीलाल जी मेहता उप परेश रावल एक मूर्तियों के दुकान के मालिक थे, जिसमें वो भगवान के कलश मूर्तियाँ वगैरह बेचते थे, ब्लैक में सस्ती चीज़ लेके लोगों को महंगी बेचते थे, लोगों का पोपट बनाते थे। उस चीज़ को देखने में उनके फैंस को काफ़ी मज़ा आया और इसी के चलते इस फिल्म के मेकर्स ने बोला कि इसका सेकंड पार्ट भी आना चाहिए, लेकिन इस बार सेकंड पार्ट में परेश रावल की जगह आपको पंकज त्रिपाठी देखने को मिलेंगे। फिल्म की शूटिंग सितंबर में शुरू होने की खबरें हैं। जी हाँ, मुंबई के फिल्म सिटी एरिया में इस फिल्म के लिए एक सेट बनाया जाएगा जहाँ पे इस पूरी फिल्म की शूटिंग होगी, और कोरोना की वजह से इस फिल्म का शूट ज़्यादा ट्रेवल करके नहीं बनाया जाएगा, यानी कि एक जगह पर ही इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग की जाएगी। और अब की बार इस फिल्म का जो बजट है वो काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स का मानना है कि इस फिल्म की शूट हम जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे। सितंबर में हम 2 से 3 महीने में इस फिल्म की पूरी शूटिंग कर लेंगे, और उस वजह से हमारा बजट भी कम आएगा और हम ज़्यादा ट्रेवल भी नहीं करना चाहते कोरोना की वजह से। और अक्षय कुमार तो आपको पता ही है कितने फास्ट हैं शूट करने में, अपनी फिल्म की शूटिंग 1 या 1.5 महीने में कम्प्लीट कर लेते हैं, लेकिन पंकज त्रिपाठी का देखना होगा कि वो इतनी जल्दी शूटिंग कर पाएंगे या नहीं। अगर परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में नज़र आते हैं तो कन्फर्मेशन मानी जा रही है कि परेश रावल की जगह पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में नज़र आएंगे, और ये रिपोर्ट पिंक वेला की तरफ से निकल के आई है। तो सितंबर यानी कि 3 महीने बाद ओ माई गॉड 2 का काम शुरू होने वाला है मुंबई में, और इस फिल्म के सेकेंड पार्ट को देखने में कितना एक्साइटेड है, और आपको पहला पार्ट कैसा लगा था 2012 में उसके बारे में बताइए। और इसका साउथ इंडिया में भी रीमेक किया गया था 2013 या 14 में, सेम टू सेम फिल्म थी, बस एक्टर चेंज थे, और वो फिल्म भी काफ़ी अच्छी थी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।